सिंगापुर जाते हैं तो खटका कर जाते हैं ना, सिंगापुर जाओ, दुनिया को जताना होता है कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, सारा वर्ल्ड जिसके चरणों में बैठा है उसके यहाँ पर जाते समय अगर दुनिया को खुद नहीं सकती। सारा विश्व जिनके चरणों में पड़ा है उसके दरबार में जाते समय बगल वाले की कुंडी खड़का के जाया करो कि मैं खाटू जा रहा हूँ, कुछ कहना हो तो बोल दो, सुना दो मैं बाबा को और मैं वहां जाकर सुनाऊंगा, आऊंगा उससे पहले तुम्हारे सुनने का। अरे जिसको ना हो भरोसा हो करके भरोसा देंगे, जिसको ना हो भरोसा हो करके भरोसा देंगे, कुछ की ना बन डूबे उस श्याम ही आके खेते, कुछ की ना बन डूबे उस श्याम ही आके खेते, झटनाव किनारे लगती हर ऊंची गांठ सुलझती, झटनाव किनारे लगती हर ऊंची गांठ सुलझती, फिर कभी न बिगड़ती बिगड़ी किस्मत भी सवरती, फिर बात कभी न बिगड़ती बिगड़ी किस्मत भी सवरती, आता है शाम में आता है आके मुझे पुराने हो जाते हैं ना तो हम एहसान भरा मोंस हो जाते हैं। क्या बात, सही है।
और बाबा के दर्शन करने के बाद, बाबा के दर्शन करने के बाद कहीं भी जाओ लेकिन पूरी रात में से रहो, कोई कसा बैठो कहीं भी जाओ लेकिन पूरी रात में किसी भी एक समय मित्र मंडल में आकर बस नमस्कार करके चले जाया करो। क्योंकि अब मित्र मंडल नहीं है, इसलिए हम हमसे कह देते हैं, हम नहीं समझते कि अभी मित्र मंडल की खाली धरोहर है, यह पूरे हिंदुस्तान के श्याम प्रेमियों की धरोहर है। आपका अकेले का अधिकार नहीं है, कह दूंगा मैं भी, अध्यक्ष महोदय को भी कह दूंगा, मंत्री साहब आपको भी कहता हूँ, पूरी कमेटी को कहता हूँ, मित्र मंडल ये गुमान में नहीं रहेगी उनकी धरोहर है, ये हर श्याम प्रेमी की धरोहर है। आपको नहीं पता कि इसकी एक एक रेलिंग पर कितने कितने आंसू टपकते हैं। क्या बात, ये आंसू जब शाम को कब्जे में कर सकते हैं तो मित्र मंडल को क्यों नहीं कर सकते। हरे के सहारे की हम सारे यहाँ के हैं, श्याम मित्र मंडल हमारा है ना। आइए, अगर आप में से कोई भी नहीं उठ कर जाए तो ये भजन सुनाऊंगा, क्योंकि ये भजन ऐसा है कोई नहीं जाएगा, अंतरात्मा को छचकोड़ देने वाला। एक भी उठ गया वही बंद कर दूंगा, लेकिन खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बैठना है, इस भजन को गाना है, बहुत दिन बाद आज गाऊंगा।
I'm
मेरा क्या जाएगा, मैं तो दीन हूं। मुझे तो दुनिया ठोकर ही मान सकती है, लेकिन मेरे कारण तुझे लोग दीनानाथ नहीं कहेंगे। कम से कम अपने नाम की लाज तो रख बाबा। एशियन पेंट वाले को घर में बुलाओ, ड्यूलक्स वाले को बुलाओ, आपने पूरा फ्लैट पेंट करने के लिए दिया, उसने कर दिया, चार गुना पैसा लेते, लेकिन छत पर कहीं अगर किसी दीवार पर अगर कोई थोड़ा सा स्पॉट नजर आ जाता है ना, आम कारीगर होता है ना जिसका कोई ब्रांड नहीं होता, वो उस स्पॉट को थोड़ा सा घस के उस पर ब्रश चला देता है, लेकिन जिसका ब्रांड होता है ना उसको मालूम है कि कितना ही टचअप करने की कोशिश करो दाग रह जाएगा। ब्रांडेड कंपनी होती है ना, सुनो, एशियन पेंट वाला आएगा ना, 4 इंची का दाग होगा, लेकिन पूरी दीवार को दोबारा से रंग करेगा, क्योंकि उसे अपने ब्रांड के नाम की चिंता होती है। तेरे से बड़ा ब्रांड कोई दुनिया में नहीं रखेगा। एशियन पेंट वाले नहीं देखते कि नुकसान हो जाएगा, तू देखेगा। दीन दयालु नाम तुम्हारा, नाम के लाज रखो है मजधा, शाम इस पार लगा जा।